बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा बीजेपी के लिए गले की फांस बनती जा रही हैं। जब से उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की है तब से बवाल जारी है। हालांकि बीजेपी ने कार्रवाई का दिखावा कर इस हंगामे को शांत करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब बात निकली है तो वो दूर तलक जाती है। अब बयान पर छिड़ा घमासान भी दिल्ली से लेकर कानपुर तक पहुंच गया है। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया गया। जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर लोगों ने नुपुर शर्मा और बाकी लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान जामा मस्जिद के बाहर भी भारी भीड़ जुट गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब स्थिति काबू में है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में भी स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई। यहां के अटाला में जुमे की नमाज के बाद पहले नारेबाजी और फिर हंगामा हुआ। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर पथराव शुरू हो गया। प्रयागराज के साथ ही लखनऊ, मुरादाबाद और सहारनपुर में भी हंगामा और नारेबाजी हुई। जुमे की नमाज के बाद सहारनपुर की सड़कों पर उतरे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 15 से 20 मिनट तक मस्जिद के बाहर जमकर नारेबाजी की। हाथ में तिरंगा लेकर पहुंचे युवाओं ने भी प्रदर्शन किया। इसके बाद अधिकारियों ने सभी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सभी लोगों ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। अब नुपुर शर्मा को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी क्या एक्शन लेती है। बीजेपी की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बीजेपी के नेता लगातार अपने बयानों से पार्टी के लिए दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। अब हैदराबाद में भी बीजेपी नेताओं के बयान ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। तेलंगाना के सीएम केसीआर को लेकर बीजेपी नेता ने बदजुबानी की है। आपको बता दें, हैदराबाद में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बीजेपी के तेलंगाना प्रमुख बंडी संजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपमानजनक टिप्पणियों के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की आलोचना की थी। तेलंगाना राष्ट्र समिति की सोशल मीडिया विंग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। टीआरएस का कहना था कि बीजेपी नेताओं ने सीएम पर झूठे आरोप लगाकर सरकारी योजनाओं को बदनाम किया है। खबरों के मुताबिक बीजेपी नेता ने सीएम को शराबी और धोखेबाज कहा था। उनके खिलाफ हयात नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की 114-504 समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर 2 जून को बंडी संजय कुमार की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में एक नाटक का मंचन किया गया था। पुलिस के मुताबिक मंच पर हुए नाटक में एक ऐसे व्यक्ति का अपमान किया जो संवैधानिक पद पर है और लोकतांत्रिक तरीके से राज्य के लोगों की तरफ से चुना गया है, यानी केसीआर के रोल में एक गैर जिम्मेदार शख्स को दिखाकर राज्य के सीएम का अपमान किया गया। लिखित शिकायत के आधार पर बंडी संजय कुमार, जीता बालकृष्ण रेड्डी, रानी रुद्रम, बोधू येलना, दारू येलना और उनकी टीम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी ने अपमानजनक टिप्पणियों, व्यक्तिगत हमलों का इस्तेमाल किया है। साथ ही ये भी बताया कि राज्य के सीएम को नाटक में शराबी और धोखेबाज के रूप में दिखाया गया था। बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के बाद राज्य का सियासी माहौल काफी गर्मा गया है, तो वहीं बीजेपी केसीआर के खिलाफ विरोध कर रही है, लेकिन सीएम के खिलाफ बयानबाजी बीजेपी को भारी पड़ी। राज्यसभा चुनावों में विपक्ष के खेमे में सेंधमारी की बीजेपी की कोशिश नाकाम हो गई है। उल्टा उसी के कैंप में सेंधमारी हो गई है। राजस्थान में बीजेपी के 2 विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दे दिया है। धौलपुर से बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट दिया है। इसके अलावा बांसवाड़ा के गढ़ी से बीजेपी विधायक कैलाश चंद मीणा ने भी कांग्रेस को वोट दिया है। बीजेपी ने इन दोनों के वोट को खारिज करने की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने नहीं माना है और बीजेपी विधायकों के वोट को सही करार देते हुए कांग्रेस के पक्ष में गिनने के संकेत दे दिए हैं। इसके अलावा पार्टी की तीसरी विधायक सिद्धि कुमारी से भी गलती हुई। उन्होंने सुभाष चंद्रा की जगह बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम तिवारी को वोट दे दिया। इसके बाद सुभाष चंद्रा ने हार स्वीकार कर ली और वो दिल्ली लौट आए। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। बीजेपी के लिए हरियाणा से भी बुरी खबर आई है। यहाँ की 2 सीटों पर आज वोटिंग हुई है। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने वोट नहीं डाला। उन्हें मनाने के लिए राज्य के गृह मंत्री अनिल विज उनके घर पहुंचे थे, लेकिन कुंडू अपनी बात पर अड़े रहे। इस बीच कांग्रेस के लिए भी हरियाणा से अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पार्टी के 2 विधायक बीवी बत्रा और किरण चौधरी ने अपना वोट पार्टी एजेंट को दिखाने के अलावा दूसरी पार्टी के एजेंट को भी दिखा दिया है। इसकी शिकायत निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय की ओर से चुनाव आयोग से की गई। अगर ये वोट खारिज होते हैं तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि 1 सीट जीतने के लिए 30 वोटों की जरूरत है और कांग्रेस के 2 वोट खारिज हो गए
जाए तो पार्टी के पास 29 वोट ही बचेंगे। क्रॉस वोटिंग का खेल कर्नाटक में भी खेला गया। यहां जेडीयू के दो विधायकों ने पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया है। जेडीएस विधायक श्रीनिवास गौड़ा ने कहा कि मैंने अपना वोट कांग्रेस उम्मीदवार को दिया है क्योंकि मैं कांग्रेस को पसंद करता हूं। तो पार्टी के दूसरे विधायक एसआर श्रीनिवास ने अपना वोट ब्लैंक छोड़ दिया, उनका वोट रद्द हो जाएगा। ऐसे में कर्नाटक में मुकदमा दिलचस्प हो जाएगा। राज्य की 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस की जीत तय है, लेकिन 4थी सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां दूसरी वरीयता के वोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इसलिए कर्नाटक का परिणाम आने में देर हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी वोटिंग के दौरान हंगामा मचा। एनसीपी के 2 विधायक नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोटिंग की अनुमति नहीं मिली, जबकि बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने महाविकास अघाड़ी के विधायक यशोमती ठाकुर, सुहास कांदे और जितेंद्र आहवाड़ के वोट रद्द करने की बात कही है। जितेंद्र आहवाड़ और यशोमती ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनाव एजेंट को वोट दिखाने के बजाय उनके हाथ में बैलेट दे दिया। वहीं सुहास कांदे ने बाहर आकर पर्चा दिखाया है। इन तीनों के वोट रद्द करने की मांग चुनाव आयोग से की गई है। गेंद चुनाव आयोग के पाले में है, साथ ही सभी का इंतजार परिणामों पर भी है जो कभी भी आ सकते हैं।